अधिक से अधिक किसान भाइयों की बात रहती है कि उनकी बाग पर बिमता यानी कि लाल चींटा और मकड़ी का प्रकोप ज़्यादा हो रहा, तो उसके लिए कौन से इंसेक्टीसाइड का प्रयोग करना है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कौन से इंसेक्टीसाइड का प्रयोग करना है जिससे बिमता और मकड़ी का प्रकोप कम हो सके और हमारा आम का पेड़ अच्छा बना रहे। इंसेक्टीसाइड की बात करें तो यहाँ पर हमने शक्तिमान का लेमडा साइलोथ्रिन 5% पेट ईसी का प्रयोग किया है, उसके साथ हमने सुपर किलर 25% लिया है, यानी कि इसमें जो होता है साइपरमेथ्रिन 25% पर इसी का प्रयोग हमने 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर हमने अपने पेड़ पर किया है। पेड़ों पर इसका छिड़काव करने के बाद आप लोगों को असर तुरंत नज़र आएगा। अगर एक बार इसका छिड़काव करते हैं, अगर दोबारा इसका दोबारा अगर आप लोग फिर से कर लेते तो इसमें हमको सालों साल चींटी व जाले का प्रकोप नहीं देखने को मिलता है। छिड़काव के दौरान आप लोगों को ऐसे नोजल का प्रयोग करना है जिसका फुहारा कम से कम 10 से 15 फीट ऊंचाई तक जा सके। जैसे कि इस फुहारे को आप लोग देख रहे हैं, उस प्रकार से आप लोगों को फुहारा रखना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, फुहारा मीडियम साइज में मीडियम रखना है। मीडियम रखते ही आप लोगों को फुहारा जो है लंबा जाता है। और पौधे की बात करें, पेड़ पौधे पर हम लोगों को छिड़काव करते समय जो हमारी कलिकाएं होती हैं उस पर अच्छी तरह से छिड़काव करना है, जो हमारा पौधा है पूरी तरह से तर हो जाए यानी कि भीग जाए और उसमें से जो हमने दवाई स्प्रे की वो टपकने लगे। अगर हम लोग लंबाई से अगर खड़े होकर दूर से अगर छिड़काव करते हैं तो जो हमारा जो फुहारा रहता है वो पौधे को की कलिकाओं तक ऊँचाई से जाता है और हमारा जो ऊँचाई पर जो कलिकाएँ कलिका होती है वो भीग जाती है और उस पर लगी हुई इंसेक्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। छोटे पेड़ की बात करें तो उसमें तो आसानी से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं और देख सकते हैं ऊपर से हमने किया, उसके बाद नीचे से, मतलब पूरी तरह से आप लोग को उसको भिगोना है। ये हमने पहले भी किया था, उसमें देख सकते हैं हमारी जो पत्तियां पूरी तरह से भीग चुकी थी। अब ये दूर से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आंवला का पेड़ है हमने उस पर भी लगा लिया। मतलब बाग में आपके कोई भी पेड़ है सब उस पर स्प्रे करना है, यानी कि आपको इंसेक्ट अपनी बाग से ख़त्म करने हैं। इसमें देखिए एक बार फिर से आप लोगों को दिखाते हैं, हमारी जो देखिए पत्तियाँ जो हैं पूरी तरह से भीग चुकी हैं, पत्तियाँ इतनी भिगोनी कि पानी नीचे टपकने लगे, देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग दूर से अगर इस प्रकार से स्प्रे करते हैं तो आप ऊंचाई तक स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी पेड़ की ऊंचाई 10 से 15 फुट तक हो सकती है, वहाँ तक आप स्प्रे कर सकते हैं, नीचे भी स्प्रे करना है। अगर ये स्प्रे का ढंग हम लोग आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करिए जिससे ये जानकारी उन लोगों को मिल सके जो बाग लगाते हैं और उनके खेत में इंसेक्ट लगे हैं तो वो भी बच सकते हैं।